प्रथम विश्व युद्ध हिस्ट्री का कहानी है, द्वितीय विश्व युद्ध भी हिस्ट्री का कहानी है। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या, दुनिया गुटबाजी में बन गई। अमेरिका के ग्रुप को कहा गया पहली दुनिया, ये पहली दुनिया कहलाए, और इसको रूस के गुट को कहा गया दूसरी दुनिया। आई दोनों आपस में मार कराते थे सब। जैसे यूक्रेन जो है वो पहली दुनिया के फेवर का है, तो आप देखिएगा रूस किसको मार रहा है, यूक्रेन। कभी भी डायरेक्ट रूस अमेरिका को नहीं मारेगा, और कभी भी अमेरिका डायरेक्ट रूस को नहीं मारेगा। ये सब हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, कह रहे हैं से मार बबू मार इसको। इसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहेंगे, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में दुनिया पीस चुकी थी, इसलिए भारत को लगा कि शीत युद्ध में पड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए भारत तीसरी दुनिया में चला गया। भारत ने गुट निरपेक्ष चला दिया, हम किसी भी गुट में नहीं है, नॉन एलाइजिंग है। क्या है, नॉन एलाइज, इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष। तो भारत तीसरी दुनिया में है, तीसरी दुनिया का ही नाम होता है गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष कहते हैं। इसी को हम दक्षिणी दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण। जो देश किसी भी गुट में नहीं है उसे हम गुट निरपेक्ष या दक्षिणी दुनिया कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया। तो आप समझिए गुट निरपेक्ष समझ में आ गया कि नहीं आएगा। आप लोग परिवार में भी देखिएगा, बड़ा परिवार रहता है ना तो उसमें भी गुटबाजी चलती है, चाहे मोहल्ला में भी गुटबाजी चलेगी, वो गुट के हैं ये गुट के हैं। और कई आदमी रहता है गुट निरपेक्ष, समझ में आ गया कि नहीं, नॉन एलाइजी। जैसे धार्मिक मामले में भी देखिएगा ना, कोई किसी धर्म को है, कोई किसी धर्म को है, और कुछ हमारी तरह तीसरी दुनिया का है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, सब सही है, कोई नया आएगा तो वो सही है, खाली जगह पीरियडिक टेबल की तरह थोड़ा सा, सब सही है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो तीसरी दुनिया में ही रहना ठीक था, लेकिन भारत ना ज्यादा लगाव रशिया से रखता था। लेकिन हम लोग शुरू से ही अपनी विदेश नीति को किसी को हावी होने नहीं दिए। रूस कितनों चिल्लाते रह गए, हम अमेरिका से हथियार खरीद लिए। अमेरिका कितनों चिल्लाते रह गए, हम रूस से पेट्रोल खरीद लिए। रूस कितनों चिल्लाते रह गए, हम लोग यूक्रेन के पक्ष में बोलिए दिए लोग कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, बहुत लंबे समय तक युद्ध खिंच गया, अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बाद में मोदी जी पुतिन को फोन कर दिए, सोल्यूशन तो पता है आपको। नहीं, डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब वर्ल्ड जो होती है ये बहुत तेजी से बिखर, मतलब स्लाइट होता है। अब पाकिस्तान पहली दुनिया का था, वो अमेरिका के फेवर में चला गया, अमेरिका में सैन्य अड्डा दे दिया अपने आके। इवन अफगानिस्तान में घुसने का जगह नहीं था, वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके ऊपर जाने के लिए या तो इंडिया से उड़ के जाइए, या तो पाकिस्तान से उड़ के जाइए, या ईरान से होके। इंडिया ने जगह नहीं दिया कि हम अपनी जमीन दूसरे पे युद्ध करने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम दे दिए रहते तो कल हमारा तालिबान से, आज तालिबान वाला हम लोग का बैंड बजाता सब, उस सबको क्या जाता था, उसको जीडीपी उडीपी से कोई मतलब है नहीं है, मार धार कारी करना है उनसे, उससे क्या जीतिएगा आप। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ईरान वाला नहीं दिया, पाकिस्तान वाला का पैसा दो ना, अब्बा पे गोली चलवा दे हम। पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दिया, और पाकिस्तान अपना सैन्य अड्डा दिया, और यहां से उड़ के मारा गया किसको, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने का रास्ता किसने दिया था, पाकिस्तान ने, खूब पैसा लिया था अता। उसके बाद भी उसने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को अपने यहां रखा था। मतलब पैसा दे रहा है, मारो ओसामा को, ओसामा को अपने घरे रखा, कहा उधर अफगानिस्तान में मारो। समझा गया, गांव में ना जब कोई गाय चोरी होती है ना तो उसका घंटिया लेके कोनो दूसरे और भागता है, गला में घंटी होता है ना, गैया के घंटिया उतार लिया जाता है, और गाय लेके भागेगा दूसरे ओर, एक उसी चोर का एक साथी रहेगा ना, घंटिया लेके भागेगा दूसरे ओर, पूरा गांव वाला घंटिया सुन के इनने चल जाएगा, गाय हिला दिया उधर। वही पाकिस्तान किया, अमेरिका को कहा मारो अफगानिस्तान में, मारो मारो मारो, ओसामा को छुपा ले तो अपने यहां। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े तो शुरुआत में अमेरिका किस, पाकिस्तान किस गुट में था, पहली दुनिया। बाद में अमेरिका का काम खत्म हो गया, साइड कर दिया किसको, पाकिस्तान। तो अमेरिका किस दुनिया में चल गया, चाइना। पाकिस्तान कहां चला गया, चाइना के गोद में। अभी हम लोग के पे किसी की नीति स्वतंत्र नीति है, हमारा चाइना के साथ इतना बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर भी हमारा व्यापार 135 अरब डॉलर का, भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से ही होता है। हालांकि सर व्यापार में हम लोग को लगभग 100 बिलियन डॉलर का घाटा लगता है, क्योंकि हम उसे बहुत कुछ बेच नहीं पाते हैं, और ना ही हम लोग ऐसा सामान बनाते हैं जो चाइना में बेच सके। चाइना बहुत चीजों को समझता है, उसके यूजर फ्रेंडली चाहिए, उसको क्या चीज की जरूरत है वो बहुत भली भांति समझता है। हमारे यहाँ कोई इतना नहीं ध्यान देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं, बना दिया उसी को लगता है सही है वही बना के रख दिया यहाँ पे। लेकिन चाइना क्या करता है, बहुत कुछ सोचता है, सोचता है। मोबाइल की हर एक वैरायटी मिलेगी आपको चाइना के पास, यहाँ पे टीवी का सस्ता से लेके महंगा वैरायटी सब मिलेगा वहां। वहां आप कुछ भी चीज चाहिएगा आपको मिल जाएगा वहां पर। समझा नहीं,
वो चाइना प्रोडक्शन ज्यादा करता है, तो प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया समझ गए, हम दक्षिणी दुनिया में आते हैं, सही है या नहीं है? लेकिन हमारी घनिष्ठ संबंध किससे है? रूस से। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे कंप्लीट गुजबाजी के जगह पे द्विपक्षीय रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन पे ध्यान दिया, 1+1, रूस और भारत, उधर रूस, भारत और जापान। अब देखिए इन दोनों में तनिको नहीं जमता है, जापान देखना नहीं चाहता है रूस को। अभी मोदी जी इधर गए थे, संजय गए कि नहीं गए, बड़ी इज्जत किया वहां पे, तो हम लोग G20 समिट में यहां पे, तो हम लोग बड़ा अच्छा से रिलेशन बना के रखे कि तुम अपना दुश्मनी भूल के आओ, भारत में आना, हमारे हिसाब से चलना है यहाँ पे, तुम्हें मार, तुम्हें बहुत दिक्कत है, लड़ लो अपना एक बार द्वितीय, जापान से कहो एक बार लड़ लो एक बार, फिर पुतिन समझाएगा हिरोशिमा द्वितीय, KGF 2 बना था ना, तो पुतिन समझा देंगे वहां पे अलग अलग, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। अरब वाले सब इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं, समझा गया? मोदी जी गए अरब में, बम्पर स्वागत होता है, यहीं से जहाज पकड़ के चल गए इजराइल, इजराइल में भी बम्पर स्वागत हुआ यहां पर। इजराइल का, इजराइल नहीं कह सकता है कि आप अरब वाले से दोस्ती तोड़ लीजिए, अरब वाले नहीं कह सकते हैं कि इजराइल से दोस्ती तोड़ लीजिए, समझा गया कि नहीं? गजब का एकदम बैलेंस। हम अब ऐसा नहीं है कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोदी जी की वजह से हुआ, विदेश नीतियां 40-50 साल लग जाती है आपको स्टेबिलिटी बनाने के चक्कर, शुरू से ही ऐसा रहा है। हाँ ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके अभी जयशंकर साहब के आने के बाद थोड़ी मुखरता आई है। रीजन क्या है कि जयशंकर साहब IAS JNU से पढ़े हुए, भले JNU यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया हो लेकिन बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के मामले, वहां से पढ़े फिर IE UPSC दिए, UPSC देने के बाद IFS ज्वाइन किए, फिर राजदूत रहे, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का अनुभव है। और वो क्या होता था कि ये लोग जब अनुभव हो जाते थे तो विदेश मंत्री को सलाह देते थे कि ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, तो सलाह पे काम करते थे। मोदी जी भी आए तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, सलाह देते थे ऐसे बोलिए ये बोलिए, मोदी जी गए, सुषमा स्वराज तो खैर बहुत अच्छी थी, चली गई इस दुनिया से, मोदी जी कहे कि भाई आप ही बनना जी, क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए ले आप। जयशंकर साहब फुल फॉर्म में आ गए, पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनुभव से कोई कमी नहीं, इधर से मोदी से फुल छूट, चुनाव लड़ना नहीं, राज्यसभा से भेज देंगे मोदी जी, आप मिल गया मौका, आप बबुआ बताते हैं तुमको यहाँ पे, बेचारा अभी बिलावल को बेचारे को नहीं डमरू टाइप का ओके बैठने को ना पूछेगा, चलो दे बागिया से। खैर उसका भी, बिलावल भुट्टो का भी गलती था, वो G20 का सदस्य नहीं है और भारत से कह रहा है कि आप G20 कश्मीर में क्यों कर रहे हैं, अरे बकलोल कहीं का, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, G20 का तुम सदस्य है, काहे बात कर रहा है, और पाकिस्तान को सोचना चाहिए, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत क्या होती थी ना, पहले नेता बोलते थे विदेश पे लेकिन उनका बात रहता था कि इसका असर मेरे देश के चुनाव पे कैसा पड़ेगा, वित्त मंत्री हमारे या जयशंकर साहब को चुनाव होने से कोई मतलब नहीं है, मस्त अपना काम कर रहे हैं वहां पे, पूरा छूट दिया गया है, रगड़ देते हैं एकदम नेता सबको वहां पे, यूक्रेन की लड़ाई में कितनों चिल्लाते रह गए। तो हमारी विदेश नीति कैसी है, स्वतंत्र है, हम चाइना से भी स्वतंत्र बात कर लेते हैं, अगर हमारे जगह पाकिस्तान रहता ना तो चाइना को हराने के लिए नाटो ज्वाइन कर लेता, नाटो में अभी 28 देश थे, अभी 29 हो गया, एक और हो गया ससुरा 30, एक और हो गया 31 हो गया, सब समझ में गया। अब इन देशों का नियम है कि कोई इनको मारेगा तो सब मिलके मारेंगे, तो चाइना को हराने के लिए पाकिस्तान नाटो ज्वाइन कर लेता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता, इस ससुरा जहां जहां मार करते सो हम लोग को भी जाना पड़ता, चलो यूक्रेन में भी मार हो गया, चलो मारते हैं वहां पे भी, हम लोग अपने से निपट लेंगे लोग, समझे? तो हमारी विदेश नीतियां कैसी है, स्वतंत्र है, कैसे है, स्वतंत्र है, समझा गया कि नहीं आ गया? हमें किसी पे दबाव नहीं पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पे कभी दबाव नहीं बना पाएगा, ना न्यूजीलैंड लगा पाएगा, अभी फिजी के राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई देश देखिए, मिस्र इस मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल अगर कोई है सेना के मामले में तो वो है इजिप्ट और ईरान, इजिप्ट और ईरान, बाकी डेवलपमेंट में UAE, डेवलपमेंट में UAE, समझ गया? तेल के मामले में सऊदी अरब, सऊदी अरब का भी भारत से बहुत अच्छा रिलेशन, ईरान का भी भारत से अच्छा रिलेशन, UAE का भी भारत से अच्छा रिलेशन, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी को, अच्छा रिलेशन,
इन सब का आपस में नहीं जमता है। अब भारत के साथ सबका जमता है। हम यहां से खरीदते हैं पेट्रोल, हमारे यहां के लेबर इंप्लॉय जाके काम करते हैं वहां पर। बहुत सारे विदेश से, भारत से लोग क्या करते हैं, विदेश में जाके काम करते हैं। तो उन अगर वो हमें पेट्रोल देते हैं तो कल को पेट्रोल देना बंद कर देगा, तब हम लोग इनको साइड लाइन कर दिए पेट्रोल देने में। हम लोग कहां से खरीद रहे हैं, रूस से। कहां से खरीद रहे हैं, रूस से। और दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिया किस चीज पर, रूस पे, कि आप रूस का ऑयल कोई देश नहीं खरीदेगा, नहीं तो बवाले हो जाएगा। समझा गया? अब अगर कोई खरीद लिया तो अमेरिका क्या करेगा, उनका गूगल बंद कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा, उनको इतना ना टॉर्चर कर देगा, महंगा पड़ जाएगा। पुतिन पगला गया, भाई हमारा तेल क्या होगा, यहां हम लोग सस्ता दाम पे खरीद लिए, लाओ इधर यहां कच्चा तेल खरीद लिए, उसको छान के पेट्रोल बना दिए और उसी को यूरोप को थमा दिए। लो प्रतिबंध कौन लगाया था, यूरोप थमा दिए। यूरोप, यूरोप वाला आग बबूला हो गया। गलत है ये, कहां गलत है, पेट्रोल हमारा है, पेट्रोलियम रूस का है। और नियम यही कहता है कि पेट्रोल खरीदे कहां से, ये मतलब पेट्रोलियम पे प्रतिबंध है, उससे बने पदार्थ पे थोड़ी है। उस तरह से तो वैसलीन भी पेट्रोलियम से बना हुआ है। आप ये प्रतिबंध लगा सकते हैं कि इस दुकान से आप दूध मत खरीदिएगा, ये थोड़े प्रतिबंध लगा सके रसगुल्ला मत खरीदिएगा। वो कहां से है आप मत देखिए, अभी यूरोप में जितना पेट्रोल जा रहा है कहां से जा रहा है, सऊदी अरब मुंह देख रहा है, भाई हम ही से लेना। समझ में क्या? अब पैरेलल भारत सरकार वेनेजुएला से बात कर रही, पैरेलल, क्योंकि इसके पास भी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार। ना हम वेनेजुएला पे डिपेंडेंट रहेंगे, ना सऊदी अरब पे और ना ही रसिया पे, जबकि दुश्मनी हमारे इन तीनों में किसी से नहीं है। तीनों में जो सस्ता देगा हम उसी से ले लेंगे, तीनों में जो सस्ता देगा उसी से दे देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो दे दिया सस्ता उसको खरीद लेंगे। तो ये स्वतंत्र विदेश नीति काम आती है। अब ये ना हमेशा चेंज होते रहता है विदेश नीति। अगर आप सोचिएगा इंटरनेशनल रिलेशन एक दिन में समझ जाए तब नहीं हो पाएगा। जैसे आप यूक्रेन लड़ाई देख रहे हैं, देख रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद जो यंग जनरेशन आएगी वो यूक्रेन की लड़ाई को किताब में पढ़ेगी, कौन अच्छा बता पाएगा? आप लोग बता रहे, देखें तो हम लोग देखे हुए हैं लोग, मतलब इन द सेंस क्या, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, मोअम्मर गद्दाफी के साथ क्या हुआ, ये सब कांड हम लोग के सामने हुआ था। ये सब अमेरिका कैसे अफगानिस्तान पे इन्वेट किया, सद्दाम हुसैन के ऑयल रैंक, गल्फ के वार कैसे, ये सब हम लोग के सामने हुआ है। हम लोग देखे थे लोग, यहाँ पे छोटे थे लोग हम लोग उस समय, बहुत मतलब यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रिलेशन जितना आप पढ़ते जाइएगा, जितना अनुभव करते जाइएगा, आपको वो उतना अच्छा आएगा, जितना ज्यादा। अब देखिए, मान के चलिए कोई आदमी यहीं तक पढ़ा है, रूस से तेल खरीदते हैं और यहाँ से तेल खरीद, ओकरा पता नहीं है वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वेनेजुएला में समस्या ये है कि वेनेजुएला से तेल लाने में दूर घर जाए, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए छानने में पैसा ज्यादा लगता है। दूसरा, ये दूर पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज्यादा लग जाता है। तो ये दो तीन जो क्या है, लॉस है। अब आगे कल समझा देंगे, ठीक है।